तो ये रहे फ्रेंड्स, हैक हो चुका है और सेशन 2 ओपन हो चुका है। अगर आपके उसमें सेशन, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल मिस्टर नॉन हैकर में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से जो है किसी एंड्रॉयड मोबाइल को हैक कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है, एंड्रॉयड मोबाइल को हैक। दरअसल एंड्रॉयड ही नहीं, आप किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हो, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर मैक हो गया, या फिर आईफोन हो गया, किसी को भी। बस आपको इस तरीके को समझने है कि ये किस तरह से हुआ, क्योंकि टूल सब में एक ही लगते हैं, एक्सप्लोइट सब में एक ही तरह से होते हैं, तो बस आपको ये समझना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए आए हो मेरे चैनल मिस्टर नॉन हैकर में, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दे, प्रेस कर दे इस बेल आइकन को, क्योंकि आपको इस चैनल में एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और अगर आपको एक एथिकल हैकर बनना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपने काली लिनक्स के डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पहले मतलब बाद में हमें जो एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है रैपिड पेलोड। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आप मेटास्प्लॉइट की मदद से कर सकते हो, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। लेकिन हम ये रैपिड पेलोड की मदद से करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। लेकिन मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ऐसा नहीं कि वो चूतिया टूल है, इसीलिए समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही एक काम का टूल है, बहुत ही खतरनाक टूल है, हैकर ज़्यादातर उसे ही यूज़ करते हैं। लेकिन इस टूल से जो है रैपिड पेलोड से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। मेटास्प्लॉइट को आपको कैसे इंस्टॉल करना है, आप उसे अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो टर्मक्स की मदद से। उस पर मैं पहले से ही सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए, वो आपके बहुत आने वाला है। तो आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए काली लिनक्स में, और गिटहब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाइए, और सर्च बार में आपको जो सर्च करना है उसका नाम आपको मैं बता चुका हूँ, रैपिड पेलोड। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो प्लीज़ आप इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करें। जो इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। गेट कोड एंड कॉपी इट्स URL, यहाँ से कॉपी करना है आपको, और अब टर्मिनल ओपन कीजिए। अब किसी टूल को कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बहुतों को पता होगा लेकिन फिर भी नहीं पता है तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और सीखिए। टाइप किट क्लोन, और जो URL हमने वहाँ से कॉपी किया था उसे सिंपली पेस्ट कर देना है, प्रेस एंटर। अब ये क्लोनिंग हो रहा है, मतलब ये जो है टूल डाउनलोड होने लग गया है। तो पहले आप सर्वप्रथम इसे डाउनलोड होने दें, तब तक हम वेट कर लेते हैं। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, थोड़ा सा ही टाइम लेता है, तो वेट कर दीजिए। ये रहा हमारा टूल जो है डाउनलोड हो चुका है। आप कभी ऐसा हो जाएगा तो अब हमें इसकी जो रूट डायरेक्टरी है उस पर जाना है। टाइप कमांड CD LS, अब यहाँ पर आपको दिखेगा रैपिड पेलोड, ये रहा मेरा यहाँ पर है। तो आप कभी ये इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा, तो अब हमें क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए टाइप कमांड CD एंड रैपिड पेलोड, जो ये है ये रैपिड पेलोड है, आप इसे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, CD रैपिड पेलोड, एंड प्रेस एंटर। टाइप कमांड LS, यहाँ पर देखिए ये है इसके अंदर जो फाइल्स हैं, तो हमें इंस्टॉल करना है। तो टाइप कमांड CHMOD प्लस एक्स स्पेस, ये कमांड जो है आपको टाइप करनी है, और प्रेस एंटर। टाइप कीजिए दोबारा LS, ये देख सकते हो आप इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसके अंदर जाना है, टूल को ओपन करना है। तो उसके लिए कमांड क्या है, उसके लिए कमांड है python3 and rapid payload.py, प्रेस एंटर। ये रहा टूल खुल चुका है, इसका इंटरफेस ऐसा होने वाला है, देख लीजिए। इसमें देख सकते हो आप कितने ऑप्शंस हैं, टोटल इसमें पेलोड्स के ऑप्शन हैं 7 तरह के पेलोड आप इसमें बना सकते हो, एप्पल, जावा, मैक, पाइथन, एंड्रॉयड, लिनक्स, विंडोज़। हम अभी एंड्रॉयड को हैक करने वाले हैं। अगर विंडोज़ को करना है या फिर उसको मैक को करना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, अभी कमेंट करो, तब मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। वैसे मैक मेरे पास है नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब हमें एंड्रॉयड को बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सीरियल वाइज है, तो हमें थर्ड पे एंड्रॉयड, तो टाइप 3 and go on it। दो तरह के पेलोड आपको यहाँ दिखने को मिलेंगे, नॉर्मल एंड इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड से जो है विक्टिम के जो मोबाइल है उस पर ये
डैमेज करेगा उसको, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ज़्यादा हम उसका कैमरा हैक करेंगे तो उसके लिए नॉर्मली सही रहेगा, टाइप फर्स्ट एंड गो ऑन इट। तीन तरीके के देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, तीन तरीके के ऑप्शन हैं, मीटर प्रेटर, रिवर्स, HTTP, HTTPS। हमें थर्ड वाला चूज़ करना है, TCP वाला। अब एल होस्ट मांग रहे हैं, एल होस्ट समझते हो, एल होस्ट होती है हमारी IP एड्रेस। सो एक दूसरा टर्मिनल ओपन कीजिए और यहाँ पर डालिए कमांड ifconfig, और यहाँ पे मिलेगा, मैं एथरनेट वाला डालूँगा। और वो क्यों, ये मैं आपको, ये लोकल वाली जो है ये मैं क्यों नहीं डाल रहा हूँ, इसका जवाब मैं आपको अगली वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरा अगला वीडियो जो आने वाला है वो ज़रूर देखिएगा। तो मैं अभी अपनी एथरनेट की IP डाल देता हूँ, वैसे कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इतनी टाइपिंग तो होगी आपकी। तो एल होस्ट डाल दीजिए, एल पोर्ट मांग रहा है, एल पोर्ट टाइप कमांड 888, क्योंकि मेरा एल पोर्ट यही है। फाइल नेम, अब फाइल नेम आपको जो देना है इस पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एल फाइल नेम आप वही रखिए जो विक्टिम का साइज, फ़ोन की जो फ़ोन जिस ब्रांड का है आप उसे ही रखिए, ताकि उस बंदे को कोई शक ना हो कि कहीं कोई मॉलिक्यूलस फाइल तो नहीं है। तो इसलिए मैं सैमसंग के मोबाइल पे करने वाला, तो मैं सैमसंग दे देता हूँ, सैमसंग। अब ये पेलोड बनना स्टार्ट हो गया, अभी अपने आप पेलोड बना देगा और हम करेंगे हैक। फ्रेंड देख सकते हो पेलोड बन चुका है, पेलोड साइज 1190 बाइट है, सेव्ड एज samsung.apk, APK में सिलेक्ट, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्मेट में होगी। अब ये साइनिंग मांग रहा है, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे यहाँ पर छोड़ देना है, तो Ctrl+Z और इसको यहाँ सस्पेंड कर दीजिए और दोबारा से टूल को स्टार्ट कीजिए, टाइप कमांड python3 rapidpayload.py और टूल को स्टार्ट कर दीजिए। और अब जो देखते हैं हम हमारा डायरेक्टरी में जाइए, रेपिड पेलोड के यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो हमने पेलोड बनाया था samsung.apk। अब आपको जो इसे विक्टिम के फॉर्म में डालना है और उसे वहाँ पर इंस्टॉल करना है, अब वो कैसे करना है वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं जो यहाँ पर देख सकता हूँ samsung.apk, इसको जो है अपने मोबाइल में डाल देता हूँ। स्किप मत कीजिए, देख लीजिए, स्किप करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, 10 मिनट की तो कम वीडियो होती है, उसमें भी आप अगर आप स्किप करोगे, रिप्लेस, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो आप सैमसंग आ चुका है, अब मैं इसे अपने मोबाइल में डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, विक्टिम के फ़ोन में हमें वो इसको ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं, अब वो कैसे करना है वो आप पर डिपेंड करता है, विक्टिम को शक नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब करते हैं दुनिया को अपनी मुट्ठी में। कुछ भी क्या जी? नहीं, ये मैं मजाक कर रहा था, आपको वैसे भी ऐसे कुछ काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो चलिए लोकल होस्ट टाइप कीजिए 192.168.1.10, मेरी ये है एल पोर्ट, हैक हो चुका है सेशन, या 1 बता रहे, 2 बता रहे, 3 जो भी बता रहे हैं, समझ लीजिए कि हैक हो चुका है।
तो अब हम इससे क्या क्या कर सकते हैं तो मैं वो आपको बता देता हूँ। अब आपको यूज़ करना नहीं आता कि आप किसी को अगर जिस कैमरा एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको जो है क्या करना है, टाइप कीजिए हेल्प। ये हेल्प जो कमांड जो है ये हर जगह काम आती है, अगर कहीं भी आपको किसी भी टूल का समझ नहीं आ रहा तो हेल्प कमांड टाइप कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और उसकी पूरी जो डिटेल्स है आपको आ जाएगी। लेकिन उससे पहले जैसे कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि हैक हुआ है तो टाइप करके दिखा देता हूँ मैं सिस इन्फो और देखिए क्या बताता है। और सिस्टम इन्फो में देखिए क्या बता रहा है, एंड्रॉइड डेव डालविक एंड्रॉइड, मतलब एंड्रॉइड जो हैक हो चुका है। अब हम किससे क्या क्या कर सकते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप देख लीजिए एक साइड में कमांड है, एक साइड में डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी हैक्स हैं उसके कमांड आपको यहाँ देख सकते देखने को मिल जाएंगे। ऐप इंस्टॉल, ऐप लिस्ट, आप उसके मोबाइल में ऐप की जो ऐप क्या क्या है वो देख सकते हो, उसकी एक्टिविटीज़ देख सकते हो, कोई मीडिया प्ले करना है तो वो कर सकते हो, माइक और कैमरा हैक के लिए आप भी यहाँ कमांड्स हैं, और स्क्रीन जो आप स्क्रीन में क्या कर रहे हो वो देख सकते हो, सिस्टम इन्फो, मतलब पूरा सब कुछ उसकी जो कुंडली आप वो देख सकते हो। तो ये एक बहुत काम की वीडियो है, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, आपके जो फ्रेंड्स हैकिंग में एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उन तक शेयर कर दो। लेकिन मैं ये सब आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि चैनल के लिए अच्छा नहीं है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल के सभी वीडियोज़ को देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।